सो है उस गाइस इट्स मी हिमांशु हियर बैक ऑन विद एन इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस कैसे हो सब लोग? सो गाइस आपको पता है, जैसे पता है मैं ब्लॉगिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो चैनल में जरूर चेकआउट करना यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड इन दिस वीडियो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक लिंक प्रोटेक्टर साइट बना सकते हो अपने होस्टिंग में, एंड उसका यूज करके आप कैसे अपने अर्निंग को डबल कर सकते हो। आई नो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका मूवी डाउनलोडिंग साइट है, ऐसे फाइल डाउनलोडिंग साइट, ऐसे मस्त मस्त से साइट है, ओके, एंड उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गेन करते हैं वो लोग। एंड इसका यूज़ करके आप लिंक प्रोटेक्टर साइट का यूज़ करके कैसे आप अभी जितने अर्निंग कर रहे हो उसको डबल कर सकते हो। मतलब कि लाइक आप अभी अगर $10 का अर्निंग कर रहे हो डेली का, तो आप $20 कर सकते हो, मिनिमम $15 तो कर ही सकते हो, ओके। तो लिंक प्रोटेक्टर साइट बहुत सालों से चल रहा है, लाइक 2019 से चल रहा है लिंक प्रोटेक्टर साइट। एंड ये एडमिन फ्लाय जब नया नया आया था उसी दिन से, उसी मतलब उसी एरा से लिंक प्रोटेक्टर साइट भी बन रहा है, ओके। लिंक प्रोटेक्टर साइट लोग बना रहे हैं एंड उससे अर्निंग भी कर रहे हैं। आई नो जितने भी साइट हैं लाइक linkspay.xyz, linkspay.io, जितने भी साइट हैं ये सभी लिंक प्रोटेक्टर साइट अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। एंड आप लिंक प्रोटेक्टर साइट में media.net एंड एडसेंस को छोड़ के बाकी सभी एड नेटवर्क यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा CPM भी देते हैं, ओके। तो लिंक प्रोटेक्टर साइट बनाने में तो बहुत इजी है एंड उसको सेटअप करने में भी इजी है, बट दिक्कत क्या आता है जानते हो? लिंक प्रोटेक्टर साइट बहुत सारे हैं और लोग सेम दिखते हैं। तो हम लोग लिंक प्रोटेक्टर सिर्फ ओनली बनाएंगे नहीं, उसको एडिट भी करेंगे, उसको मॉडिफिकेशन भी करेंगे, कैसे आपका लिंक प्रोटेक्टर साइट एक अलग दिख सकता है, ओके। उसमें कैसे बटन्स डाल सकते हो लिंक्स के जाएगा, तो ऐसी सभी चीज़ों का मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो दो पार्ट में होगा, पहले पार्ट में हम इस वीडियो में मैं आपको कैसे उस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं वो बताऊंगा, एंड एक और पार्ट में मैं इसका मॉडिफिकेशन बताऊंगा कि कैसे आप उस स्क्रिप्ट को एडिट कर सकते हो एंड उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो जिससे आपका था साइट अलग दिखेगा एंड अच्छा दिखेगा, ओके। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, उस PC में चलते हैं। उससे पहले गाइस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन गाइस। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन टू रिसीव आवर लेटेस्ट अपडेट्स। सो वेलकम टू माई PC का। चलिए देखते हैं एक लिंक प्रोटेक्टर साइट कैसे आप इजीली बहुत सिंपली बना सकते हैं, ओके। तो हम लिंक सील्ड का यूज करेंगे। लिंक सील्ड स्क्रिप्ट आपको ये कुछ ऐसा साइड मिलता है, ओके। एंड यहाँ पे कोई भी लिंक डालो, मान लो मैं यहाँ पे jio.google.com लिख देता हूँ, ओके। देन यहाँ पे अगर लॉक लिंक को क्लिक कर देता हूँ तो ऐसे लिंक लॉक हो जाता है, देन कोई भी इसको ओपन करेगा तो ऐसे सिंपली टाइमर चलता है। तो यहाँ पे आप एड्स डाल सकते हो, अगर आपका मूवी साइड है या फिर किसी और टाइप का फाइल डाउनलोडिंग साइड है तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। मतलब कि आपका वेबसाइट के बाद आपको फिर लिंक्स के भी बाद आपको और एक साइड मिल जाएगा लिंक्स देने में, ओके। देन यहाँ पे कोई भी चूज करता है तो खुल जाएगा लिंक साइट, ओके। तो ये रहा लिंक प्रोटेक्टर साइट, ऐसे बनता है कुछ, ओके। तो यहाँ पे आप रिमूव लिंक, प्रोटेक्ट लिंक जैसे कर सकते हैं, ईजी है, बहुत सिंपल स्क्रिप्ट है। तो आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं लिंक सील्ड स्क्रिप्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे codestar.com यहाँ से मिलता है। लिंक सील्ड वर्जन 4 पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं या अलग लुक मिलता है, बट उसका प्राइस $40 है, तो आप उसको codestar से लेना पड़ेगा। तो आप कोई भी अलग बंदे से नहीं लेना, बिकॉज वो लोग मतलब फालतू के वर्जन 3 पकड़ा देते हैं एंड पैसे ले लेते हैं। तो लेना होगा तो वर्जन मतलब कि 4.0 लेना होगा तो ये codestar ऑफिशियल साइट से ही ले लेना, या फिर आपको अगर ये स्क्रिप्ट चाहिए, ये वर्जन 2 है, तो आपको मैं सिंपली इस फाइल का डाउनलोड लिंक दे दूंगा फ्री में, ओके। आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। इसमें भी सेम काम करता है, सेम प्रोसेस है, बिकॉज हमको कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी दिखाना विखाना नहीं है, तो हमको अलग लुक भी नहीं चाहिए, हमको एक सिंपली लिंक प्रोटेक्टर साइट चाहिए। तो हम वर्जन 2 यूज करेंगे इस वीडियो में, ओके। तो देन वर्जन 4 चाहिए तो वो codestar लेना, ओके। एंड ये डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना स्क्रिप्ट को। डाउनलोड करते ही आपको अपने कंप्यूटर पर एक्सट्रैक्ट कर देना है, कुछ ऐसा फाइल निकलेगा, बिकॉज ये RAR फाइल है, RAR फाइल सी पैनल में एक्सट्रैक्ट नहीं होता। तो आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे एक्सट्रैक्ट कर देना है, देख सकते हैं कुछ ऐसा फाइल आएगा, इसके अंदर आपको स्क्रिप्ट मिलेगा, इसको आपको अपलोड करना है होस्टिंग में। देन ये डाटाबेस होगा, डाटाबेस, इस डाटाबेस को आपको बैकअप के तरह मतलब डाटाबेस को भी अपलोड करना होगा। देन डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इंडेक्स, मतलब आपका फुल मतलब जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा, कुछ ऐसा फाइल उसको व्यू विद क्रोम करने से कुछ ऐसा आएगा, इसमें फुल इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया गया, ओके। तो बहुत ईजी है, तो चलो इसको कुछ ऐसा साइट बनाते हैं हम। तो मैं सिंपली मेरा होस्टिंग यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तो सिंपली मैं होस्टिंग यहाँ पे ओपन करता हूँ, देख सकते हो कुछ मैं होस्टेन का होस्टिंग यूज कर रहा हूँ। होस्टेन का होस्टिंग नहीं लिया है तो चेक कर सकते हो, ईयरली होस्टिंग बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं, ओके। देन यहाँ पे सिंपली आपको होम पे आना है सी पैनल के, देन फाइल मैनेजर में चलना है ऐसे फाइल मैनेजर में, ओके।
देन सिंपली पब्लिक HTML जो डोमेन डाला हुआ है, यहाँ पे मेरा एक ही डोमेन है तो मेरा पब्लिक HTML में जाएगा, आपका अलग दो तीन डोमेन है cPanel में तो आपको उसी डोमेन के सेक्शन में आना है। देन स्क्रिप्ट को अपलोड करना है, ऐसे अपलोड पे क्लिक कर देना है, देन सिंपली वो फाइल को चूज करना है, देख सकते हैं यहाँ पे एक सेकंड ओपन, यहाँ पे स्क्रिप्ट को चूज करना है देन अपलोड कर देना है। ओके, ओपन करने से अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे अभी साइड में रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं है, साइड में ओपन है बस स्क्रिप्ट जो अपलोड हुआ है वही है। तो मैं इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ऐसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया, देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो गया। देन यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक फोल्डर बन गया, तो इस फोल्डर से हमको हटाना है, तो यहाँ पे सिंपली ऐसे ओपन आना है। देन यहाँ पे सेटिंग्स सेक्शन में चलना है, मेक श्योर यहाँ पे सो हिडन फाइल्स का ऑप्शन टिक होना चाहिए, बिकॉज उस वो नहीं होगा तो आपको HTTPS ये फाइल आपको नहीं कॉपी होगा और एरर आ जाएगा आपके इंस्टॉलेशन में। तो आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है, देन मूव पे क्लिक कर देना है, एंड देन सिंपली ये जो स्क्रिप्ट है हमको पब्लिक HTML डायरेक्टली उस डोमेन के डायरेक्टरी में डाल देना है। ओके, देख सकते हैं मूव कर दिया मैंने, तो ये सिंपली मूव हो गया। ओके, देन आप चाहो तो ये स्क्रिप्ट के ये जो फोल्डर है इसको डिलीट कर सकते हो या फिर ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन ये स्क्रिप्ट फाइल भी आप डिलीट कर सकते हो, ये जो स्क्रिप्ट फाइल है आप दिक्कत नहीं है, डिलीट नहीं करने से भी कोई इशू नहीं है। ओके, देन सिंपली आपको साइड ओपन कर लेना है, देख सकते हैं साइड जैसे ही ओपन करेंगे देख सकते हैं साइट कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं अभी ये साइट दिख रहा है, साइट खुल रहा है, बट इसमें डाटाबेस कनेक्ट नहीं है इसलिए कोई भी लिंक शॉर्ट नहीं होगा। मैं आपको मान लो ये लिंक शॉर्ट करके दिखा ले रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर लिंक ऐसे पेस्ट करूँ देन एंटर पे क्लिक करूँ, प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, तो देख सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा है, बिकॉज इसमें डाटाबेस ऐड नहीं हुआ है। तो हम लोग ये डाटाबेस को ऐड करेंगे, जो डाटाबेस हमने डाला था ये देख सकते हो, ये डाटाबेस जो है ये स्क्रिप्ट के अंदर डाटाबेस के सेक्शन में ये डाटाबेस को हमको डालना होगा। तो हमको सिंपली cPanel में आना है, देन यहाँ पे MySQL डाटाबेस पे चलना है, देख सकते हो MySQL डाटाबेस, देन यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिंक शील्ड लिख देता हूँ, जो भी आपका डाटाबेस का नाम मन चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देन लिंक से जैसे डाटाबेस ऐड कर देना है, देन आपको आपका यूज़र्स है तो आपको उसको असाइन कर देना है, देख सकते हैं ऐड यूज़र टू डाटाबेस। मैं अभी मेरा एक यूज़र को ऐड कर देता हूँ उसमें, एंड बिकॉज यूज़र नेम पासवर्ड, यहाँ पे ऑल प्रिविलेज पर टिक कर देना है, देन से मेक चेंजेस पे क्लिक कर देना। ओके, देन यहाँ पे हमको ये डाटाबेस डिटेल्स हमको इस थीम के सेक्शन में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन एक तो मिलेगा, देख सकते हैं ये, देख सकते हैं कॉन्फ़िग, देख सकते हैं config.php, आपके जो फाइल मैनेजर है वहाँ पे आना है config.php, इसको एडिट करना है, इसमें हमको वो डाटाबेस का डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो एडिट पे क्लिक करना है सिंपली, एंड यहाँ पे देख सकते हैं लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट सही है, हमको यूज़र नेम जो रूट है उसको हमको हटा के हमारा जो यूज़र नेम है डाटाबेस, हमारा जो यूज़र है उसका नेम डाल देना है। ओके, कुछ ऐसे यूज़र पे यहाँ पे रूट की जगह हमको अपना डाटाबेस का यूज़र डाल देना है, देन डाटाबेस नेम डाल देना है, डाटाबेस नेम को ऐसे कॉपी कर देना है, ये रहा फाइल। तो देख सकते हो डाटाबेस यूज़र, देख सकते हो लिंक की जगह डाटाबेस यूज़र डाल देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाटाबेस नेम, सब कुछ अब लिखा हुआ है, ईजी है। ओके, देन यहाँ पे हमको जो है इसका पासवर्ड डाल देना है, मे बी यही है, तो देख लेते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसमें कोई भी मतलब ये का ऑप्शन नहीं आता, तो आपको मैनुअली ही जानना पड़ेगा कि है कि नहीं। ओके, तो हमको एक लिंक फिर से कॉपी कर लेना है, सीधे जाके सपोर्ट स्टॉल ये लिंक को कॉपी कर लेना है, देन इसके होम सेक्शन में आना है, एंड देन यहाँ पे अगर काम करे तो ये डाटाबेस जो है लग गया है। ओके, फिर भी इशू आ रहा है, तो हमको ये पासवर्ड चेंज करना होगा। देख सकते हो ऐसे अगर इशू आए ना, तो मतलब कि आपका डाटाबेस का कुछ डिटेल्स आपका गलत डाला हुआ है। तो इसमें क्या गलत है मैं बता देता हूँ आपको। अभी देख सकते हो यहाँ पे हमने डाटाबेस, मैंने वही सेम है ये सेव कर दिया, डाटाबेस डिटेल ये बिल्कुल ओरिजिनल डाटाबेस है। एरर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमने डाटाबेस को अपलोड नहीं किया है। तो सिंपली डाटाबेस में चल रहा है cPanel में, ऐसे कुछ एरर्स आते हैं, घबराना मत, ऐसे इजी से फिर से सोचना है कि क्या क्या हमने भूल किया है। तो ओके, देन माय PHP एडमिन पे आना है, देन ये एडमिन खुल जाएगा, हमने जो डेमो डाटाबेस है उसको अपलोड नहीं किया है, वही दिक्कत आ रहा है इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे जो डाटाबेस क्रिएट किया था उसी पे आना है, देन यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है, देख सकते हो इंपोर्ट ऐसे चूज करना है, देन डाटाबेस SQL इस फाइल को चूज करके यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ये डाटाबेस जो है अपलोड हो जाएगा। ओके,
देख सकते हो अपलोड हो रहा है। ऐसे एरर्स आते हैं सबके में, होता है एरर, मुझे भी इंस्टॉलेशन टाइम एरर आता है, आपको भी आता है, ऐसे सबके एरर आता है। आपको घबराना नहीं है, इसमें आराम से करना है काम। ओके, देन देख सकते हो यहाँ पे होम पे आना है, देन कोई भी लिंक ऐसे कॉपी कर लिया, अभी अगर शॉर्ट करेंगे तो काम कर जाएगा, देख लेना। देख सकते हो देन प्रोटेक्ट पे क्लिक कर दिया, देख सकते हो लिंक ओपन हो रहा है, देख सकते हो प्रोटेक्टर लिंक। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो टाइमर चल रहा है एंड लिंक ओपन हो रहा है। तो हम सीधे एडमिन पे लॉगिन करते हैं। एडमिन लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे एडमिन डालना होगा, एडमिन देख सकते हो एडमिन, सॉरी आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर डॉट पी एच पी की जगह एडमिन डॉट पी एच पी डालना है, या फिर आप सिंपली एडमिन भी डाल सकते हो, पी एच पी अपने आप उठा लेगा। ओके, देन यहाँ पे डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड जो एडमिन एडमिन होता है उसको डालना है। ओके, देन एंटर पे क्लिक कर देना है, देन देख सकते हो आपका कुछ डैशबोर्ड ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा, यूजर्स आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से, कस्टमर देख सकते हो एंड सब कुछ, यहाँ पे लिंक भी मैनेज कर सकते हो। साइट सेटिंग पे आपको यहाँ पे लोगो वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो चेंज लोगो, लिंक चीट के जगह हम अगर लिंक फॉर फ्री देख सकते हो ऐसे अपडेट कर देंगे तो इसका साइट का नेम भी अपडेट हो जाएगा। ओके, देन देख सकते हो मैं यहाँ पे अगर इस डोमेन को यहाँ पे खोलूं तो देख सकते हो यहाँ पे लिंक फॉर फ्री लिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पे लिंक फॉर फ्री लिख रहा है एंड साइट का नेम चेंज हो गया। ओके, तो ऐसे इंस्टॉल करते हैं लिंक सील्ड फाइल को, स्क्रिप्ट को, एंड इसका कस्टमाइजेशन हम करेंगे, प्रोफेशनल कस्टमाइजेशन करेंगे, बिकॉज ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट हमको कुछ खास अच्छा नहीं दिखता, और वर्जन 4 लेने के लिए $40 पे करने पड़ते हैं। तो हम वर्जन 2 को ही, इसको ही कस्टमाइज करेंगे, कुछ अच्छा लुक देंगे। देख सकते हो इसके फुटर्स में ये नीचे नीचे आ रहा है, देन ये हटाना होगा हमको, देन ये साइनअप वगैरह हटा देंगे, ये हटा देंगे, कलर्स चेंज करेंगे एंड देन ये टेक्स्ट वगैरह हटा देंगे तो कुछ अलग दिखेगा। ओके, तो मैं इसका कस्टमाइजेशन वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको प्रोफेशनली कस्टमाइज करते हैं। तो आपको वर्जन 4 चाहिए तो परचेस कर लो, या फिर वर्जन 2 चाहिए तो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये भी अनलिमिटेड साइट पर यूज कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड नेक्स्ट वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। Press the subscribe button and turn on all notifications to receive our latest updates.